खतरनाक है रे बाबा, जंगल में देखते लेके जा रहे हो जंगल? अच्छा जंगल जा रहे हैं क्या चूहा पकड़ने के लिए? नहीं बोलूँ ना तुम। हाँ ठीक है ना। मेरा नाम है योगेश कुमार मरकाम और मैं छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव ग्रामलिखमा डिस्ट्रिक्ट धमतरी से बिलोंग करता हूं और मैं एक ऑल इंडिया साइकिल राइडर हूं। मैं पूरा भारत भ्रमण करने के लिए निकला हूं। मेरा जर्नी 26 मार्च 2022 को मैं अपना जर्नी स्टार्ट किया था 26 मार्च 2022 को स्टार्ट किया था और अभी तक मैं 20 राज्य कम्प्लीट कर लिया हूँ और अभी मैं आसाम के डिब्रूगढ़ में आया हूँ। और भारत भ्रमण करने का मेरा मेन उद्देश्य है ग्रीन इंडिया, क्लीन इंडिया, भारत को स्वच्छ बनाओ, पेड़ लगाओ और अपने छत्तीसगढ़ टूरिज्म को प्रमोट करना है, क्योंकि मैं भी चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में लोग आएं और छत्तीसगढ़ में घूमें। ये मेरा मेन उद्देश्य है और लोगों को मैं जागरूक करना चाहता हूं कि आप अपने जीवन में एक पेड़ जरूर लगाएं, क्योंकि हमें पेड़ लगाना ज़रूरी है, क्योंकि आज हमारे पर्यावरण ठीक है तो हम लोग हैं, क्योंकि पर्यावरण में हम लोग बसे हैं, क्योंकि प्राकृतिक नहीं रहेगा तो हम लोग भी नहीं रहेंगे। तो मेरा ये उद्देश्य है, आप लोग अपने जीवन में बर्थडे में केक काटते हो, ये सब चीज़ करते हो, उसमें पैसा इन्वेस्ट होता है, उससे आप केक काटते हो उसके जगह एक पेड़ लगाओ, क्योंकि एक पेड़ लगाओगे तो आप जीवन में एक पेड़ लगाओगे तो आपको बढ़ते रहेगा, तो आपको याद रहेगा कि नहीं मैं एक बचपन में पेड़ लगाया था, वो आज इतना बड़ा हुआ है। तो मेरा यही आसामवासी और पूरा देखते हैं और पूरा देशवासियों को निवेदन है कि आप प्राकृतिक के लेकर थोड़ा सीरियस हो और अपने एरिया को साफ सफाई रखो और एक पेड़ जरूर लगाओ। आसाम में मेरे को एक महीने से ज़्यादा दिन हो गया है और आसाम के बारे में बोलना चाहता हूँ कि आसाम के एक चीज़ है, आसाम में लोगों का प्यार मेरे को बहुत मिल रहा है, कि जो यहाँ का ये गामूछा है जो मेरे को यहाँ पे मान सम्मान में मिल रहा है, यहाँ का जो मैं यहाँ पे आने के बाद कल्चर देख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे हर समुदाय के लोग रहते हैं, हर समुदाय का एक एकता है, यहाँ पे लोगों का एकता है और वो एकता यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेरे को प्यार सपोर्ट दे रहा है। और नॉर्थ ईस्ट में तो ग्रीन ग्रीन है, लेकिन वो ग्रीन को हमें और ज़्यादा ग्रीन बनाना है, क्योंकि ग्रीन है तो इसका मतलब नहीं कि ग्रीन को छोड़ देना है, क्योंकि हम प्राकृतिक को हम संभाल के रखेंगे तो प्राकृतिक हमें आगे बहुत देगा, तो हमें और पेड़ लगाते जाना है और जो ग्रीनी ग्रीन ग्रीन है उसको बचा के रखना है। और जो आसामवासी हैं उनको मैं बोलना चाहता हूं कि मेरे आप सभी को दिल से धन्यवाद, जो आप मेरे को यहां पे मान सम्मान और प्यार दे रहे हो, और आसाम के लोग बहुत अच्छे हैं और मेरे को यहां पे बहुत मदद मिल रहा है साइकिलिंग के दौरान और बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है। ঘরে ঘরে সুখৰ আগত।